लेकिन दीदी ये फोरम में दायां वाला भाग तो खाली है पड़ा है। बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं आप। इस दाएं भाग की जानकारी हम तब भरेंगे जब हम लोगों के खेतों की जांच करने जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है, सदस्य के विधि अपनाने के बाद जब जांच करने जाएं तब नीचे भरें। ओहो, तब ये हम कहें कि फार्म तो आधे ही भरा है, तो कब जाएंगे दीदी जांच करने के लिए बतलाइए। अरे भाई रुक जाइए, जब लोग इस विधि को अपना लेंगे तब हम उनके खेतों में जांच करने के लिए जाएंगे। मतलब अभी 2-3 हफ्ते हैं आपके पास। दीदी आप जब बुलाएंगी तब हम दोनों आ जाएंगे। समझ गए ना अनुज, फार्म भरना अब कितना आसान हो गया है। हाँ भाई, पहले तो लगता था कि सब कुछ गलत सलत हो जाएगा, लेकिन दीदी आपने तो सारी दुविधा ही दूर कर दी। अब तो फार्म भरना बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम। अच्छा प्रणाम। जिन दीदी लोगों को हमने श्री विधि से गेहूं की रोपाई का वीडियो दिखाया था, उन्हीं में से कुछ दीदी लोगों ने अपने खेतों में श्री विधि से गेहूं की रोपाई की है। इसीलिए आज हम उनके खेतों की जांच करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी सिखा देंगे कि फार्म का यह जांच वाला भाग कैसे भरना है। दीदी ये बात समझ में नहीं आई, जब हमने उनको वीडियो दिखा दी है और समझा भी दिया है तो खेत में जाके जांच करने की क्या जरूरत है। जांच करना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह पता कर सकें कि दीदी लोगों ने कोई अति आवश्यक बिंदु छोड़ तो नहीं दिया है। अच्छा दीदी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वो तारीख भरेंगे जब दीदी लोगों ने अपने खेत में गेहूं की रोपाई की है। ठीक है दीदी। और ये दूसरे स्थानों में निशान लगाकर हमें ये जांच करनी है कि दीदी लोगों ने अति आवश्यक बात के हिसाब से रोपाई की है या नहीं। जैसे हमने उस दिन ये अति आवश्यक बातें लिखी थी वीडियो से पहले। दीदी ये क्रम तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि कोई बिंदु पहले आए या बाद में। देखिए वीडियो में जिस क्रम के हिसाब से ये बातें लिखी होती हैं हमें भी उसी क्रम में ये बातें लिखनी होती है। इससे समय भी बचता है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है दीदी, हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस दिन जांच करने जाते हैं उस दिन को कहते हैं जांच की तारीख। जहां सदस्य के हस्ताक्षर लिखा है वहां जांच के बाद दीदी के हस्ताक्षर ले लेंगे। नीचे देखिए यहाँ लिखा है अपनाने में समस्याएं, यानी दीदी लोगों से हम पूछेंगे कि उनको इस विधि को अपनाने में क्या क्या दिक्कत आई और उसको लिख लेंगे ताकि आगे से उन्हें और अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ मध्यस्थ के हस्ताक्षर, यहाँ पर आज तो हमारा नाम आएगा, बताइए क्यों। क्योंकि दीदी आपने दीदी लोगों को यह वीडियो दिखाया और समझाया और आज आप ही जांच के लिए जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, तो चलिए अब जांच के लिए चलते हैं। चलिए दीदी।